सीज़न में अगर आप कोई भी एक आध राइस बना देते हैं, चाहे वो पुलाव हो, बिरयानी हो, फ्राइड राइस हो या जीरा राइस, उसका साथ देने के लिए अगर ये बूंदी का रायता आप बना देते हैं तो उससे भी और ज़्यादा लंच और डिनर के लिए अच्छा कुछ बन सकता है क्या। तो आइए बनाते हैं ये सरल, फटाफट से और कम से कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाली एकदम सिंपल सी रेसिपी। स्वागत है आप सभी का सावई में। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने ली है आधा कप बूंदी। तो बूंदी यहाँ पर रेगुलर वाली यानी बिना मिर्च वाली यूज़ की जाती है, पर मुझे ये मिर्च वाली यानी नमकीन वाली मुझे मिली है तो मैंने वही यूज़ की है। अब कोई बात नहीं, जो आपको मिलता है वही आप यूज़ कीजिए, लॉकडाउन चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम गुनगुना पानी लेंगे और बूंदी पर डालेंगे और सिर्फ एक मिनट के लिए बूंदी को पानी में रहने देंगे, उससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद हम इसे स्ट्रेनर पर डालेंगे और इसका पानी निकाल लेंगे। अब बूंदी को थोड़ा सा साइड में रख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, मैंने लिया है एक कप दही। यहाँ पर दही मैंने रेगुलर वाला यूज़ किया है, गाढ़ा दही नहीं यूज़ किया है क्योंकि फाइनली इसमें हमें पानी ही डालना है, तो मैंने रेगुलर वाला पतला वाला दही यूज़ किया है। आप चाहे तो आप कौन सा भी दही यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, दही को हल्का सा फेंटेंगे ताकि इसमें लम्स ना बचे। आपको जितना पानी चाहिए उतना आप इसमें ऐड कर दीजिए, मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। हो सकता है अगर आप गाढ़ा दही यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा पानी मिलाना पड़े। आप यहाँ पर चाहे तो मथनी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मसाले मिक्स कर देते हैं। तो एक हरी मिर्च ली है मैंने, उसके बाद कटा हुआ हरा धनिया और लाल मिर्च पाउडर पाव छोटा चम्मच ली है क्योंकि हरी मिर्च भी मैंने डाली है। उसके बाद एक छोटा चम्मच शक्कर, उसके बाद जितना नमक चाहिए उतना आप ऐड कर दीजिए। उसके बाद जीरा पाउडर ली है आधा छोटा चम्मच, अगर आप भुनी हुई ले लें तो अच्छा है। और उसके बाद चाट मसाला मैंने डाला है एक छोटा चम्मच। अब इसमें काला नमक भी डाला जाता है जो कि मेरे पास अभी नहीं है, तो इसलिए मैंने चाट मसाला थोड़ा ज़्यादा लिया है। अगर आपके पास काला नमक है अवेलेबल तो आप डाल दीजिए, और मतलब चाट मसाले की जगह आप काला नमक भी डालते हैं तो भी चलेगा। और इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे बूंदी और एक बार इसे हम मिक्स कर देंगे। इंग्रेडिएंट्स आपको हमेशा की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आज की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिए। तो लीजिए, तैयार है हमारा चटपटा बूंदी का रायता, और जिसको कि आप रोटी पराठे के साथ भी एज ए साइड डिश सर्व कर सकते हैं। उसके साथ साथ ही अगर आप कोई भी एक राइस बना देते हैं तो उसके साथ उसका ये अच्छी तरह साथ निभाता है। तो ज़रूर ट्राई करके देखिए ये बूंदी का रायता। थैंक यू।